और इधर देखिए तिहार में सतेंद्र जैन के जो वीडियो वायरल हुआ उसने अब एक नया मोड़ ले लिया है। अब बताया जा रहा है कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पूरे मामले पर बहुत सख्त रुख अपना लिया है। ईडी से सवाल कर लिया है कि आखिर अंदर का वीडियो वायरल कैसे हुआ, बाहर तक कैसे पहुंचा, इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से कहा गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तिहाड़ में सत्येंद्र की मसाज, कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। वीडियो वाला गेम ऑन। सियासत फुल आप मौन। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन का मसाज वाला वीडियो पूरे देश ने देखा। कई तरह के सवाल खड़े हुए, कोई कटघरे में खड़ा है तो कोई किसी पर कानून के साथ खिलवाड़ के आरोप लगा रहा है। मसाज वाले इस वीडियो पर अब नया मोड़ आ गया है। ये वीडियो अब अदालत की दहलीज तक पहुंच चुका है। वीडियो लीक होने के बाद सत्येंद्र जैन की कानूनी टीम ईडी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग को लेकर कोर्ट पहुंच गई है, जिसके बाद दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। लीगल टीम ने ईडी पर अदालत के आदेश की अवमानना करने का आरोप लगाया है। अदालत ने जैन के वकीलों की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 21 नवंबर को होगी। ईडी ने जमानत अर्जियों पर सुनवाई के दौरान ये वीडियो अदालत में पेश किए थे। ईडी ने वीडियो लीक न होने दिया शपथ पत्र। दरअसल ईडी ने कोर्ट में सत्येंद्र जैन को वीआईपी सुविधाएं मिलने का दावा करते हुए सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराई थी। ईडी ने कोर्ट में वीडियो लीक न करने का शपथ पत्र भी दिया था, लेकिन वीडियो लीक हो गए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ईडी इस मामले में क्या जवाब देती है। ईडी से ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि शपथ पत्र के बावजूद वीडियो लीक कैसे हुए। फिलहाल सत्येंद्र जैन को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन के बचाव में खड़ी है, तो बीजेपी इस मुद्दे को भुनाकर गुजरात और एमसीडी चुनाव में सियासी फायदा जुटाने की जुगत में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।